हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज तो फाइनली हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। आज है सोमवार और मम्मी ने कहा है आज तो शॉपिंग करने जाना ही है, तो हम जा रहे हैं आज डूंगरपुर। डूंगरपुर भाभी को भी बुला लेंगे और घर मेरे घर से मेरी तीनों मम्मी आ रही हैं और साथ में पीनू भी आ रहा है, तो हम सब जने जाने वाले शॉपिंग पे। और मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये सूट मेरा कल बन के आया है, इसके ऊपर दुपट्टा भी है। इसका प्रॉपर लुक मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत ही अच्छा स्टिच किया है दीदी ने, जिनसे मैंने स्टिच कराया है, यानी बिल्कुल मुझे फिटिंग इतनी अच्छी लग रही है। जो चिकू ने अभी विवाह के सूट मेरे लिए मंगवाए थे उनकी फ़िटिंग जो थी वैसी मुझे बिल्कुल फिटिंग लग रही है। और यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है तो मैं पी लेती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया है, मैं सुबह से बस रेडी होकर बैठी हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला था 10 बजते हम आ जाएंगे। और वो मेरी वॉच तो मैं नहाने गई, बाथरूम में ही रह गई है, वॉच ले लेती हूँ। मैं कंप्लीट रेडी रहती हूँ ताकि मम्मी और ये लोग आए तो सीधा निकलना ही पड़े। और आज मैं मेरे न्यू शूज़ पहनने वाली हूँ, देखती हूँ अगर इन कपड़ों पे अच्छा लगेंगे तो ही पहनूँगी। माय न्यू पैड्स बेबी पिंक कलर की, हालांकि इसके ऊपर अच्छे तो लगने चाहिए, देखती हूँ अगर पहन के अच्छे लगेंगे तो ही पहनती हूँ। और ये कपड़े भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनको भिगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में क्योंकि आजकल तो हम वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धो रहे हैं। एक बार चलते हैं दुकान पर, थोड़ी देर जो भी हो काम वो निपटा देंगे। मैं आ गई हूँ शॉप पे, अब ज्योति को मैं बोलती हूँ मेरा पूरा सूट का लुक दिखाएगी। पूरा लुक आप देख सकते हो कितना अच्छा मैंने सूट सिलवाया और स्टिच किया, वो मुझे काफ़ी सही लग रहा है और एकदम मस्त स्टिच किया है। और मैंने कहा यार मैं जा रही हूँ, इससे पहले मैं क्यों ना ज्योति से मिल के आऊँ, आई जड़ी मार आई जड़ी इसको मिल के आऊँ, कुछ पूछ लूँ यू करके। मैंने कहा कोई आए थी सुबह, तो अगर आज कोई आया तो देख लेना ठीक है, क्योंकि मैं जा रही हूँ डूंगरपुर मम्मी ने इनके साथ आज। और अभी एक मैंने एक चीज़ ली है, अब मैं जा रही हूँ। मम्मी और बड़ी मम्मी और ये लोग वहाँ से निकल गए तो उस शॉप के बाहर खड़ी रहूँगी, तो जल्दी से वहाँ पहुँचती हूँ, कोई मुझे लेने आए व्यवस्था करती हूँ। इधर आ जाओ दादी, खोलेगी नहीं तू? हाँ जी, इधर नीचे नीचे आ जाओ। हाँ हम लोग निकल चुके हैं, पिनू भाई साहब उनको लेने आ गए। हेलो कह दो बस। हेलो देखा तो नहीं पिनू तो अभी हम डूंगरपुर में पहुंच चुके हैं और अब हम हमारी डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। सो सब जने तैयार भी हो गए, मास्क वास्क लगा के, पिनू मास्क नीचे कर दिया, कोई पुलिस वाला दिखा नहीं इसलिए। पिटी पिटी ले अपने यहाँ से जल्दी के। हाँ ये हमसे भाभी मिल चुकी है और हम दोनों जा रहे हैं अभी चूड़ियों की शॉपिंग करने के लिए। मम्मी और ये यहाँ पर शॉपिंग कंप्लीट करके फिर जैसे ही आते हैं हम दोनों जा रहे हैं। भाई स्कूटी पर बैठे हो, साइड में बैठ जाओ, घोड़ा कर ये वाला मतलब फास्ट जल्दी लगता है। भाभी साहब देखती नहीं है भाई, चकाचक चलाती है गाड़ी बन्ना। चूड़ियों की शॉपिंग करने हम आ गए, आपकी शॉप का क्या नाम है? बाईसा कलेक्शन पे हम आ गए हैं, तो अभी बस भाभी के जो लहंगे हमने परचेज किए हैं उसके ऊपर चूड़े बनवा रहे और कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। शॉपिंग हो चुकी है पर अब जा रहे हैं हम भाभी के लिए जूते लेने के लिए। हालांकि हम उदयपुर गए थे तब लिए पर पापा को हमारे पसंद ही नहीं है। सिंपल है पापा को पसंद ही नहीं है तो मम्मी अभी बिलिंग करा रही है, तो अभी हम जा रहे हैं जूते लेने के लिए। चूड़ियों की शॉपिंग तो हो गई है, भाभी बहुत गुस्से में थक गई है। भाभी स्टूडियो की दुकान पे आए, सारा हमने ही मैन्युफैक्चर क्या किया, सारा हमने से अच्छा कोर्ट मैरिज कर लेनी बहुत अच्छी है। सही बात है, सुन लो शादी करने वालों। और अभी यहाँ पे आए जूते लेने के लिए तीनों मम्मियाँ धीरे धीरे आते हुए। ओ भाई ये
जूतों की तो शॉपिंग हो गई है, भाभी के लिए लेने थे, मम्मी के ले लिए हैं और अब कुछ नाश्ता करने जा रहे हैं। मम्मी भी थक गई है बेचारी, चल चल के आज तो बहुत चले। अब यहाँ पे कहीं हैं बहुत पुराना कोई रेस्टोरेंट, मम्मी के ध्यान में वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं। सुबह सिर्फ दूध ही पिया है मैंने तो। अभी हम आ गए फूड प्लाजा में नाश्ता करने के लिए और नाश्ते में अभी वेज सैंडविचेस ऑर्डर कर दिए हैं और पाव भाजी ऑर्डर की है, तो अब सबका टेस्ट करेंगे। और पिनू को भी बुला दिया है यहाँ पे। ये हमारी पाव भाजी आ चुकी है, नाश्ता कर लिया फूड प्लाजा में, नाश्ता किया, बहुत अच्छा था नाश्ता। पिनू भाई साहब हमको रिसीव करने के लिए आ गए। अब हम जा रहे हैं जहाँ पर मेरा लहंगा हमको स्टिच कराना है, वहाँ पर भाभी लेके जा रहे हैं। अब क्या डिसीजन निकलता है, अगर परचेज करना पड़े तो लास्ट में रहकर परचेज ही करना पड़ेगा। पर बहुत ज़्यादा धूप है यार। बस अब हो गए हम फ्री और अब निकल रहे हैं घर के लिए। भाभी को भी कर दिया है बाय बाय, भाभी भी निकल चुके हैं और हम भी अब साथ ही साथ कल्याणपुर के लिए निकल जाते हैं। तो शॉपिंग हो गई पूरी कंप्लीट, मेरा भी काम हो गया, लहंगे का काम कंप्लीट हो गया, दे दिया यानी लहंगे का काम कब हो जाएगा। तो मैं आ गई हूँ अब घर पे फाइनली थक करके। क्या कह रहे हैं? ये गेट का लॉक लगा। अच्छा लॉक लगा हुई हूँ मैं तो, भीग गई, क्या हो गया? अभी घर आ गए हैं फाइनली थकान भरे। हे भगवान थागी जमुन साफ तो क्या ये मत थोड़ी थी शादी ने शॉपिंग है। अभी जस्ट आई हूँ घर पे, मेरे सूट का कलर पूरा इस बैग पे चढ़ चुका है, तभी इस बैग की होगी धुलाई, ठीक है 1% भी नहीं बाती है। तो अभी घर पे आके कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए हैं और खाना बन गया है। तो चिकू तो आ नहीं रहे, सिर्फ हम ही हैं। तो यश और वेदी खाने में हमको ज्वाइन करेंगे, पापा भी हैं। पापा हूँ पूरा दाड़ो काम करता रहो एम ना वोने सब जड़ बस एम भी ना, रोमा के पापा बहुत काम करते हैं रोमा जैसे। अरे भाई खावा दे पसे वॉकिंग करवा वो आज का मेहमान बच्ची वो पापा कम एक तो कहो कम से कम के बच्ची अभी वो ठीक है। बना है आज दाल और बाटी, दाल तो मम्मी के हाथ की, बाटी अभी आंटी जी आए थे बना के गए और बस अब खाना खाते हैं। बस ये बातें सब हो गई है और मैं भी अब फाइनली फ्री हो गई। पूरा दिन हम वही शॉपिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, थक भी गए, तो बस यहीं कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग आपको यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। यहाँ पर हमारे मिट्टू सो रहे, ऊपर डक दिया है तो वो सो जाएंगे। ओके बाय।